अरे बेटा चिंटू एक सवाल पूछो तुमसे हाँ हाँ अखिल अंकल बिल्कुल अखिल नहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन <laughs> अल्बा अच्छा बेटा बताओ किसी इनफाइनाइट लाइन में से तुमको अगर एक पॉइंट चूज करने को कहा जाए तो तुम कितने तरीके से कर सकते हो इनफाइनाइट लाइन बहुत लंबा होता है वो तो बहुत सारा पॉइंट होगा इनफाइनाइट गलत <laughs> अब आप सोच रहे होंगे दर्शकों कि ये गलत आंसर क्यों हुआ बेसिकली इसका आंसर है सिर्फ एक तरीके से क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट उठाओगे कोई भी पॉइंट उठाओगे तो दूसरे पॉइंट से भिन्न नहीं होगा वो सेम ही पॉइंट होगा तो एक ही तरीका होगा इसका तो आंसर है इसका वन जी हाँ दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि आप पॉइंट ए उठा रहे हो या पॉइंट बी उठा रहे हो या पॉइंट सी उठा रहे हो क्योंकि लाइन का कोई स्टार्ट और कोई एंड नहीं होता तो ऑल दीज पॉइंट्स विल बी ट्रीटेड लाइक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स तो किसी भी आइडेंटिकल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से अगर आप कोई एक ऑब्जेक्ट उठाते हो तो वो दूसरे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के तरह ही होता है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता सो इफ यू पिक अप पॉइंट ए बी सी डी और एनी वन पॉइंट फ्रॉम दिस इन्फाइना एक्सटेंडिंग ज्योमेट्रिकल फिगर बिच वी कॉल एज लाइन इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू अवर चॉइस तो जी आर इज ओनली वन वे टू अ अ पॉइंट फ्रॉम गिवन लाइन तो चलो चिंटू मैं तुमको एक और अपॉर्चुनिटी देता हूं मान लो तुमने एक पॉइंट चूज कर लिया चलो मैं कहता हूं कि ए पॉइंट पॉइंट चूज़ चूज़ कर लिया एक और करना है बी तो कितने तरीके से कर सकते हो एक पॉइंट चूज कर लिया है तो इनफाइनाइट तो पहला वाला इनफाइनाइट गलत था आपने बताया आपने चूज कर लिया एक पॉइंट तो इस बार इनफाइनाइट होगा दोस्तों क्या लगता है इस बार चिंटू सही होगा <laughs> इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा